तो चलिए आ जाइए सभी लोग लाइव। और जो होमवर्क दिया था आई होप आपने किया होगा। एक क्वेश्चन दिया था मैंने कल आपको। देखिए जो लोग आज इसी लेक्चर पे सीधा आए हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके जो इससे आए हुए पहले वाले जो लेक्चर है उनको पहले देखिए, नहीं तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा, है ना। हाँ जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिख रही होंगी फ्रैक्शन, ये मैंने सारी फ्रैक्शन यहाँ पे लिख रखी है। और फ्रैक्शन में आप जैसा कि देख पा रहे हो कि प्रतिशत में कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह भिन्न का उपयोग हो रहा है, फ्रैक्शन का यूज हो रहा है। तो इनको आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार देखिए तो लर्न हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ये कल मैंने होमवर्क में दिया था, आई होप आपने किया हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबवृत्ति बेलन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर में एक होती है क्या, हाइट, और क्या होती है, रेडियस। आ रही बात समझ में। तो सिलेंडर में हाइट और रेडियस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बेटा आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको पता है इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब रेडियस कितनी बढ़ा दी गई, 40%। मतलब कि रेडियस जो है ना वो 40% बढ़ा दी गई। 40% जानते हो कितना होता है, 2/5। 20% 1/5, तो 40% कितना होगा, 2/5, है ना। और ये बढ़ा दी गई तो प्लस लिख दो। इसके बाद बोला गया है तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स हाइट, हाइट 37 सही 1/2% घटा दी गई। ये बेटा हमारा कितना होता है, ये हमारा 3/8 होता है, तो ये 3/8 घटा दी गई। चलो ठीक है। तो मैं एक आपको बात बताऊं कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रेडियस, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा हाइट, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। और तीसरा हमसे पूछा गया है तो ये जो इफेक्ट डालने के बाद जो वॉल्यूम है ना, आयतन है, उसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो वॉल्यूम मतलब कि आयतन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेटा रेडियस में बोला गया है कि पहले 5 हुआ करती थी, अब कितनी बढ़ा दी गई, 2 बढ़ा दी गई। तो पहले रेडियस 5 हुआ करती थी। आप सभी को पता है भिन्न का जो हर होता है वो क्या होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, मूल संख्या होता है। 2 की वृद्धि कर दी आई तो कितनी बन गई रेडियस, अब 7 बन गई। इसी प्रकार 8 हुआ करती थी पहले क्या, हाइट, लेकिन अब 3 की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, उसमें घटा दिया गया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब 3 कम हो गया तो 5, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि आर का स्क्वायर करो आप, 5 का स्क्वायर 25, 25, ठीक है, और 25 × 8 ये बनेगा 200। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पाई में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है, पाई से पाई बाद में जाके सब कट जाएगा। आ रही बात समझ में। तो बेटा पाई में नहीं लिख रहा हूँ, इधर देखो 7 जो है वो रेडियस है, तो 7 का स्क्वायर करो क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 से तो हमारा बनेगा 245 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बेटा पहले जो आयतन हुआ करता था वो 200 का हुआ करता था, और अब जो आयतन होता है वो कितने का है, 245 का हो रहा है इस चेंजेस करने के बाद, है ना। तो कितने का परिवर्तन आया, परिवर्तन आया 45 का, है ना। और 45 का परिवर्तन किस चीज पर आया, 200 पर आया। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दो। आ रही बात समझ में। तो बेटा ये 200, 2 जीरो कट जाएंगे, 45/2 मतलब कि 22.5%। तो 22.5% का क्या आएगा, एक सिलेंडर में परिवर्तन आएगा उसके आयतन में। क्यों, क्योंकि हमने उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के साथ क्या कर दी, छेड़खानी कर दी, मतलब कि उसको छोटा बड़ा कर दिया। आधी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आज के क्वेश्चन नंबर है, आज फर्स्ट क्लास है जो भी है परसेंटेज की, फर्स्ट नहीं एक्चुअली, ये लेक्चर वाइज तो बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो आज का क्वेश्चन जो जेन्यून है वो फर्स्ट यही है। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 6/5 के बजाय 5/6 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमें निकालना है। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 6/5 के बजाय 5/6 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, करो सभी लोग। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें एक अलग तरीके का फॉर्मेट सेट करना होता है जिससे ये बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना।
अगर आप अन्य तरीकों से करोगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप करते हो जैसे मैं अभी बताऊंगा और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे तो बहुत जल्दी होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दो, आंसर दो कि क्या आंसर आने वाला है ना। ओरली हो जाते हैं अगर आप अच्छे से जानते हो तो। देखो सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं बेटा, देखो सॉल्यूशन कि एक छात्र है, मान लो वो छात्र आप हो, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, कोई संख्या में गुणा करो बेटा 6/5 का। बट आपने क्या किया, आप खेल रहे थे उस टाइम पे पबजी, आप सुन नहीं पाए उस चीज को, आपने गलत सुन लिया। 6/5 की जगह पे क्या सुन लिया, 5/6 सुन लिया, और उसी संख्या में 6/5 की जगह पे 5/6 का गुणा कर दिया। तो जो मैं आंसर तुमसे चाहता था वो तो नहीं आने वाला। तो जो आंसर अब आएगा, और पहले जो आंसर आना चाहिए था उसमें जो अंतर है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, मान लेता हूं मैं एक संख्या थी, इस संख्या में आपको गुणा करना था 6/5 से, बट आपने क्या किया, इस संख्या में गलती से आप गुणा कर गए 5/6 का। तो देखो सही तरीका तो ये था लेकिन आपने गलती कर दी यहाँ पर। तो बेटा इस जगह पे हमें कुछ नहीं करना, ये जो हर की जगह पे जो चीजें रखी हैं, जो वैल्यू रखी हैं, जो मान रखे हैं, डिनोमिनेटर की जगह पे जो मान रखे हैं उनका एलसीएम ले लो। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपको पता है 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। तो 30 मान लो संख्या, 30 यहाँ रख दो, 30 ही यहाँ रख दो, समझ में आ रहा है। और अब क्या सॉल्व करो, काटो इसे तो ये कटेगा 6 बार, और 6 6 से 36 ये कटेगा 5 बार, है ना, 5 से 5 बार मतलब कि 25। तो बेटा आंसर आना चाहिए था 36, लेकिन गलती से आपने सुनने की वजह से आप अपना आंसर लाए 25। तो कितने की प्रॉब्लम हुई, 11 की, और 11 की प्रॉब्लम हुई किस पर, 36 पर। तो 100 पर कितनी हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ये होगी 30.56%, ये सही आंसर है। तो आप देख पा रहे हो ये जो फॉर्मेट था, आप ऐसे ही फॉर्मेट ही मैं आपको दे रहा हूँ, और अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओगे कि किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक छात्र ने, क्वेश्चन आपके सामने है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया। आ रही बात समझ में, 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो इस गणना में जो गलती हुई है वो परसेंटेज में कितनी है, प्रति 100 पर कितनी है। अरे बस समझ में, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी करो और आंसर दो। कि मान लेता हूं मैं कि ये संख्या थी और इस संख्या में गुणा करना था 5/4 का, बट गलती से इस संख्या में गुणा कर गया 4/5 से। तो मैंने क्या बोला, ये करना था लेकिन ये कर गए, तो इनका एलसीएम ले लो 4 और 5 का, कितना आ रहा है 20। 20 को मान लो संख्या। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम और भी कुछ मान सकते हैं लेकिन हम ऐसी संख्या मानते हैं जो दोनों तरफ ना आधार का गुणनखंड रही हो, तो हमारे लिए चीज यहां से रही। इधर देखो बेटा, हम काट देते हैं, 4 से कटा ये 5 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार, इधर बनेगा 25, इधर बनेगा ये 4 बार कटेगा, सॉरी 5 और 20, तो ये बनेगा बेटा 16, ठीक है। 25 और 16 में अंतर है कितने का, 9 का, और 9 का अंतर किस पर आया, 25 पर, क्योंकि आंसर तो 25 आना चाहिए था, सही, जो सही चीज होती है उस पर हम रखते हैं, तो 9 को कहाँ पे रखेंगे, 25 पर। तो बेटा 100 पर कितना हुआ, परसेंटेज निकाला है ना, तो 25 से कट गया, 25 चौके 100, और 4 9 36%, तो हमारा आंसर आएगा 36%। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। चलिए मैं एक और दे रहा हूं, करके बताइए इसको बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ऐसे मैंने क्वेश्चन इतने इसलिए डाले हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है, और ये जनरली ना किसी एग्जाम में दिख ही जाता है, तो वहां पे बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ना देखते ही उड़ाओ। अब आप इसको एज्यूम करो, कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, देखो बेटा कि मान लो कि एक संख्या है, उस संख्या में हमें गुणा करना है 10/3 का, बट हमने उसी संख्या में 3/10 का गुणा कर दिया, तो 3 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 इधर रख दो, 30 नीचे रख दो, समझ में आ रहा है, 3 से ये कटेगा, 30 कितनी बार, 10 बार। तो
10 का गुणा हो रहा है तो ऊपर बनेगा 100 और नीचे बनेगा कितना, 10 से ये कटेगा जो 30 से आपका 3 बार, और 3 का गुणा 3 से तो वो बनेगा 9। 100 और 9 का अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 91 का। 91 का अंतर 100 पर, तो 100 पर ही कितना होगा, 91% ओरली हो रहा है। अभी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो एक बार करके ही बता दे रहा हूँ कि कोई संख्या है और इसमें हमें गुणा करना था 10/3 का, बट हमने बेटा इस संख्या में गलती से गुणा कर दिया कितने का, 3/10 का। आ रही बात समझ में? तो अब एक बात ध्यान रखो, आपको एलसीएम लिया 3 और 10 का, वो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो बेटा ये 3 से कटेगा 10 बार, ठीक है, और बेटा ये 10 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 9, तो अंतर कितने का आ रहा है, 91 का। 91 का अंतर किस पर, 100 पर, तो बटे में 100, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करो, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 91%। ठीक है, चलिए चलिए आगे करते हैं, इसके आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग सही कर रहे हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करके बताइए, इसका आंसर दीजिए। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में 60% क्या है, लड़की है। किसी विद्यालय में 60% क्या है बेटा, लड़के हैं, और 972 क्या है, लड़कियां हैं, है ना। लड़कों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आ रही बात समझ में, लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन निकालिए। देखिए बेटा, मैंने कल भी बोला था कि प्रतिशत के सभी प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्या कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है, अगर दी है तो फ्रैक्शन में बदलो और फिर अपना काम चालू करो, वहां से सब कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि कुछ परसेंटेज में दिया है क्या। आप बोलोगे सर यस सर बिल्कुल दिया है। कितना दिया है, 60%। 60% कितना होता है, 20% कितना होता है बेटा, आपको पता है 20% 1/5 होता है, तो 60% कितना होगा, 3/5, क्योंकि 20 का 3 होना है, 3/5। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मतलब कि 5 का 60% क्या होता है, 3 होता है, मतलब कि 3 कौन है, बॉयज है, और 5 क्या है, टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना। तो एक बात मुझे बताओ, 5 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से बॉय कितने हैं, 3 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 रही होंगी, है ना। जब टोटल 5 हैं, उसमें से 3 लड़के हैं, तो बची हुई 2 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और बेटा आपको बोला गया कि लड़कियां तो साफ साफ लिखा है 972 है, तो 2 = 972, तो 1 = कितना होगा, 2 का भाग देंगे 972 में, 486। जब 1 = 486 ये आपसे पूछा है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो, बॉयज कितने हैं, 3 है, और 1 = 486 है, तो 3 = कितना होगा, 3 × 486 मतलब कि 1458, 1458 हमारा आंसर आ गया। ये इतनी संख्या कितनी है लड़कों की है। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 15% तथा 20% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी, करो इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने ऐसा कल करवाया भी था, ऐसे क्वेश्चन मैंने कुछ करवाए भी थे कि यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 15% है ना तथा 20% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा या वृद्धि होगी, जो भी है करो इसको। चलो देखो, आयत, आयत मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और बेटा इसकी लंबाई है इसमें और इसमें चौड़ाई है। बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 15% तथा 20% बढ़ाया गया, मतलब कि जो लेंथ है वो कितनी बढ़ाई गई, 15%। 15% बेटा कितनी होता है, 3/20, 15/100 करके कर लो, 3/20 होगा, है ना। और जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कितनी प्रतिशत बढ़ाई गई, 20%। 20% को सबको पता है 20% कितना होता है, 1/5, वेरी गुड। अब देखो, हमें बताया गया था कि पहले हमारा जो रेक्टेंगल हुआ करता था और अब,
पहले और अब। पहले जो हमारा रेक्टेंगल था, आयत था, उसकी लंबाई कितनी हुआ करती थी बेटा? 20। लेकिन 3 की वृद्धि हुई तो अब कितनी हो गई? 23 हो गई। ऐसे ही पहले हमारा जो चौड़ाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी 5, अब 1 की वृद्धि हुई तो वो हो गई 6। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फाइंड करूं कि एरिया में क्या अंतर आया, तो बेटा एरिया देख लो, एरिया मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20 × 5 = 100। तो पहले एरिया हुआ करता था 100, और 23 का 6 गुणा करेंगे तो आएगा 138। तो अब एरिया कितना हो रहा है? 138, ये बढ़ाने के बाद। तो ये अंतर कितने का आ रहा है बेटा? 38 का। और 38 का अंतर किस पे आ रहा है भाई? इस पे, पहले वाले पे, 100 पर। तो 100 पर प्रतिशत में कितना होगा? तो गुणा 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आएगा 38%। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप समझ पा रहे होंगे। और अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मुझे फोन भी कर सकते हो, बट लाइव टाइम पे मत करना, है ना? आपको फोन करना है, आप आफ्टर क्लास कर सकते हो, और व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप लोग देख पा रहे हो। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा निकालें। एक त्रिभुज है बेटा, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है ना? मान लो इसको एक ट्राइंगल है, और इसका आधार क्या होता है? बेस, ये रहा। और इसके बेस में क्या करी गई? 10% की वृद्धि की गई। तो बेटा मैं लिख लेता हूं यहां पर कि बेस में 10% की वृद्धि की गई, मतलब कि भिन्न बनी 1/10। समझ में आ रहा है? और इसकी ऊंचाई में, ऊंचाई मतलब ये होती है हाइट, उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई। हाइट में 20% की क्या की गई? कमी की गई। 20% कितना होता है? 1/5। समझ में आ रहा है? चलिए तो देख लेते हैं इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो एक तो मेरा पहले वाला हो गया ट्राइंगल जो पहले था, है ना, और एक हो गया अब जो है, जो ये परिवर्तन करने के बाद बन रहा है। तो बेटा देखो, पहले हमारे ट्रायंगल की जो बेस था और जो ऊंचाई था वो क्या क्या था हम जानते हैं। तो देखिए, पहले हमारा बेस हुआ करता था 10, और फिर इसके बाद होगी इसमें वृद्धि, कितने की? 1 की वृद्धि। देखो ये साफ साफ दिखा है, कितने की वृद्धि? 1 की। तो अब कितना हो गया? 11। पहले हमारी हाइट हुआ करती थी 5, ये लिख लिया, लेकिन साफ साफ बोला गया है कि ऊंचाई में 20% की कमी की है। तो बेटा कमी मतलब कि कितने की हुई? 1 की कमी हुई। तो 5 से 1 की कमी होगी, तो अब ऊंचाई कितनी बची? 4। और अब आपको एरिया में पता करना है कि इनका एरिया कितने प्रतिशत आने वाला है। तो देखो बेटा, एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। देखो अभी मेंसुरेशन तो चल ही रहा है, मैं मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले बताऊंगा, इवन ड्राइव करके भी बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हो कि एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम चलो लगाते हैं यहाँ पर 1/2, बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितनी है 5। ऐसे यहाँ लगाते हैं 1/2, बेस कितना है 11, इंटू हाइट कितनी है 4। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, इधर हमारा आएगा, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो ये बनेगा 25। ये 2 से कटेगा 2 बार, ये बनेगा कितना? 22। तो 25 और 22 में कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 3 का। 3 का अंतर कितने पर आ रहा है? 25 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो 25 चौक 100, और 4 3 12। तो 12% का एरिया में प्रतिशत परिवर्तन आएगा त्रिभुज में। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग। एक विक्रेता ₹25 में 6 केला खरीदता है और ₹20 में 3 केला बेच देता है।
अभी मैं छोटे छोटे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मिसलेनियस में आते हैं, विविध में आते हैं, आपके पास अप्रोच बनवा रहा हूँ। टाइप में थोड़ा कल से या परसों से स्टार्ट करूंगा। एक विक्रेता ₹25 में 6 केला खरीदता है और ₹20 में 3 केला बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो देखो बेटा, आपको पता है क्रय मूल्य को बोलते हैं अंग्रेजी में सीपी, तो मैं लिखूंगा सीपी। देखिए करिए आप लोग भी, कि वो जो विक्रेता है ना, वो ₹25 में 6 केला खरीदता है, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ऑफ 6 बनाना कितना है? ₹25, मतलब कि 6 केले खरीदने के लिए ₹25 होना जरूरी है। और वो फिर क्या करता है, ₹20 में 3 केले बेच देता है। मान लो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो 6 के 6 केले बेचता अगर, तो कितने रुपए में बेचता? अगर वो 3 केले ₹20 में बेच रहा है, तो 6 केले भाई वो ₹40 में बेचता। आ रही बात समझ में? तो हम मान लेते हैं एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी ऑफ 6 बनाना, मुझे यूनिट बराबर करनी थी बनाना है, इसलिए मैंने 6 ले लिया। तो 3 केले वो ₹20 में बेच रहा है, तो 6 केले बेचेगा ₹40 में। तो यही पूछा जा रहा है कि उसका लाभ कितना है बेटा। तो प्रॉफिट परसेंट हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। हालांकि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में मैं ये बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी ये क्या है, क्योंकि परसेंटेज ना प्रत्येक टॉपिक में आता है, इसलिए मुझे ये यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो देखो अंतर कितने का आया बेटा, 25 की कोई चीज खरीदी, 40 की बेच रहा है, तो अंतर आया 15 का। 15 का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। किस पर? 25 पर। तो भाई 100 पर कितना करेगा? 25 चौक 100 और 15 चौक 60 आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट करते जाओ, नोट बनाते जाओ, बहुत अच्छे नोट्स बनाओ आप, है ना? जितने अच्छे नोट्स बनेंगे उतना ही बेहतर कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% कीमत और घटा दी जाए, तो कीमत में कुल कितनी कटौती हुई? देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन देने का मतलब मेरा इसलिए है कि मुझसे एक स्टूडेंट ने आज ही आज या कल पूछा था कि सर आपने एक ना ब्रह्मास्त्र वाला मेथड नहीं बताया। मैंने कहा भाई ये कौन सा मेथड होता है जिसमें ब्रह्मास्त्र लग रहा है तुम्हारा? तो बोले सर x+y+xy/100। तो देखो मैं x+y/100 का अगर उपयोग करना चाहता तो मैं वो आयत वाले जो क्वेश्चन थे जिनमें लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा रही घटाई जा रही, मैं वहां पे कर सकता था, उनसे आंसर कहीं ना कहीं जल्दी आ जाते। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले से नहीं चलना है, हमें सीखना है फ्रैक्शन, क्योंकि फॉर्मूले आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, फ्रैक्शन आपके लिए कैलकुलेशन आसान करती है। हालांकि अभी आपको कठिन लग रहा होगा, आपके लिए ये चीजें नहीं है, लेकिन धीमे धीमे ये चीजें आपके लिए आपकी फैमिलियर हो जाएंगी और आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और फ्रैक्शन आपको वो पावर देता है जो आप कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर एक तरीके से ब्रेन गेम खेलकर उसको सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन के थ्रू, बट फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बेटा x+y+xy/100 का यूज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसा इक्विवेलेंट फॉर्मूला है जो मतलब कि वहां पर हमेशा लग जाएगा कि किसी भी चीज को इतना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, उतना प्रतिशत घटाया जा रहा है, या किसी भी चीज को पहले इतना प्रतिशत बढ़ाया जाता है फिर इतना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो परिवर्तन ज्ञात करो, वहां पर ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देख लो एक बार। हालांकि मैं ने आपको जो सिखाया है आप तो परसेंट फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो, x+y+xy/100। अभी जो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजें चल रही है ना, लेकिन ये तब बिगड़ जाता है जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे काम करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता। यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, इसको हम एक्स मान लेते हैं, टेन को हम वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा लेट कर लो कि x बराबर 20% घटा दी जाए तो मतलब कि -20%, एंड y बराबर 10% कीमत और घटा दी जाए मतलब कि फिर से -10%। तो बोला जा रहा है कि कुल कीमत में कितनी कटौती हुई, रिडक्शन ऑफ टोटल प्राइस। तो हम निकालेंगे रिडक्शन ऑफ टोटल प्राइस। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो, ये वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो देखो बेटा -20 -10
प्लस माइनस 20 माइनस 10 अपॉन 100, और ये ऊपर से लगाओगे क्या परसेंटेज, ये कभी मत भूलना, ये ऊपर आगे क्या होता है परसेंटेज। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा बेटा माइनस 28%। स्पेस कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट किया। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अलग अलग प्रकार के थे, है ना। स्टार्टिंग से 3 क्वेश्चन मैच हो रहे थे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इन्हें नोट करते रहिए। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, है ना, मेरे लेक्चर्स और भी आ चुके हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। परसेंटेज अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 अगर नहीं देख रखा है तो आप उनको पढ़ सकते हो। और YouTube पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको पता ही है कि मैं YouTube पे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बेटा आप समझ सकते हो इस चीज को। कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, है ना, कोशिश भी करता हूँ कि मैं आपका जवाब भी दूं, है ना। मेरी जो टीम है वो आपका जवाब देती है ना। आप देख भी रहे हो कहीं ना कहीं। क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं बीच बीच में आपके कमेंट पढ़ पढ़ के आपके नाम नहीं लेता हूँ। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जब बाद में देखोगे तो ये डिस्टर्बेंस होता है। तो देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, और भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स इन प्लेलिस्ट में लेके आने वाला हूँ। तो बेटा इनको देखो, जाओ इन प्लेलिस्ट को बिल्कुल एकदम से छान डालो, है ना, नोट्स इनके बना डालो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने OBM पर एक वीडियो बनाई थी, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। OBM के मैंने दो पार्ट बनाए हैं, ये देखिए आप, OBM क्या है, है ना, ये दो पार्ट बनाए थे इसके। अगर आप ये जानोगे ना, एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशनरी मेथड है, इससे तुम्हारे छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिविजन करते रहो, नोट्स अच्छे बनाओ। और अगर कोई बंदा बहुत अच्छे नोट्स बना रहा है तो मुझे ना व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मुझे अपने नोट सेंड करे, कहीं ना कहीं मैं उसे मेंशन जरूर करूंगा, है ना, और मैं उसे जरूर कॉल पर बात करूंगा, ठीक है। तो नोट्स अगर आप अच्छे बना रहे हो तो मुझे सेंड करो, उसका स्नैपशॉट लो उसका, सेंड करो, क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ उन बच्चों से जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।